जो महिलाओं की आवाज़ है ना, अगर अब खामोश रहेंगे तो फिर हमारे जनाजे उठेंगे मुश्किल से। तो खामोश रहने का तो कोई सवाल ही पता नहीं होता। प्रोटेस्ट, विरोध, प्रदर्शन, जो बोलते हैं आप बोलिए, वो जारी रहेगा और ये चलता रहेगा। क्योंकि ये तो जरूरी है, मुझे लगता है कि मसले का हल अब जनता की अदालत में चलेगा। अरे सर, आपने मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ, आपकी देखिए और छोड़ता हूँ। हमारी जो मुस्लिम लीडर एक्शन कमेटी है, उन्होंने हैदराबाद में ये दूसरा प्रोग्राम, और जो पहला प्रोग्राम हमारा तिरंगा रैली का, सब किसी से तो उस वक्त भी हमको परमिशन दिया गया। फिर कोई जनाब महाशय नहीं, नहीं सर, बहरहाल बहुत सी गलत बातें कही, फिर कोर्ट ने इजाज़त दी। अब हम चार मीनार के पास हमने बहुत पहले एप्लीकेशन दी, दरख्वास्त दी, पुलिस के कंडीशन थे उसको भी हमने एक्सेप्ट किया। फिर बाद में उसको रिजेक्ट कर दिया गया, परमिशन कैंसिल कर दिया गया। ये कहा गया कि भाई वो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो सकता है और आप करना है तो यहाँ करिए। हम बोले वो पूरी तैयारी वहाँ कर चुके थे, ठीक है, हम राजी हुए, क्या करते, ला महाला खिलवत ग्राउंड के लिए। तो फिर से कोर्ट में किसी ने केस डाला और फिर वही गलत बातें उन्होंने लिख दी कि उसमें ला दिया कि एंगल रिलीजन का। तो कोर्ट ने हमको, इन्होंने हमको पार्टी बनाया, हमको नोटिस ही नहीं मिलती है। हमको तो मीडिया से मालूम हो रहा है कि आपको पार्टी बनाया गया, मुझे नोटिस नहीं मिली, ना मुझे मिली ना हमारे मुस्लिम लीडर एक्शन कमेटी को मिली। अब कोर्ट ने फैसला कर दिया कि नहीं, 6 बजे से 9 बजे तक सुबहानों तक होगा और गुलाम बना। तो हमारा हमारा पुराना प्रोग्राम था कि हम 12 बजे तक करेंगे और 26 जनवरी का हम इस्तकबाल करेंगे, रिपब्लिक डे का, यम जमहूरिया का तिरंगा लहराएंगे, जनगणमन पढ़ेंगे। खैर, अब कोर्ट का फैसला है, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे जी एस वराम ने सही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज़ सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। तिरंगा कभी लहरा सकते हैं आप, यह है कि शर्त यह है कि उसकी इज्जत करनी चाहिए, उसकी बेहरमती ना हो। लहराएंगे, कल सुबह भी लहराएंगे, रात में लहराएंगे, तिरंगा लहराता है। सर, एक आखिरी सवाल है, कहा कि गुफ्तगू कर रहे हैं, हम उनसे मुतफिक नहीं है, उनसे राजी नहीं है, और अगर इस तरह की वो बेहूरिया बातें कर रहे हैं तो कंडेम कर रहे हैं, और ये लोग रिप्रेजेंट नहीं करते, जो पीसफुल प्रोटेस्ट जो लोग कर रहे हैं उनको ये रिप्रेजेंट करते ही नहीं है, जो बकवास करने वाले हैं। शाहीन बाग का जहाँ तक सवाल है, ये तो गलत इल्ज़ाम है लोगों का, बिल्कुल गलत इल्ज़ाम है। ये आसान बात नहीं है, देखिए इतना लंबा प्रोटेस्ट करना, महिला बैठी हैं, सर्दी में बैठी हैं, अब वो कौन बोल रहा है, कितने, चलिए मैं देता हूँ, कितने लोग बैठे हैं प्रोटेस्ट में, चलिए मैं देता हूँ, बैठेंगे एक दिन दो दिन, उसके सब भाग जाएंगे। अरे भाई, आप 6 डिग्री 5 डिग्री टेम्परेचर में बैठता है क्या, कुछ कन्विक्शन चाहिए ना, कुछ तो यकीन चाहिए, एक जज्बा चाहिए, उसका मुजाहरा हो रहा है। और उन तमाम लोगों की बेइज्जती की जा रही है इस तरह की वाहियात बातें कर कर के, पैसे कहाँ के पैसे, अरे उनके जज्बात देखिए, उनके अल्फाज देखिए, उनके तड़प देखिए, सारी दुनिया की दौलत पर अगर उनके इलाके ख़त्म हो रखें, ठुकरा देंगे वो उन चीज़ों को।